लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 152 कोरोना के पॉजिटिव केसेस प्रदेश भर से लगातार अपने पैर पसार रहा है कोरोना प्रदेश में। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट 152 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4278 हो गई है प्रदेश में। उदयपुर में 20, राजसमंद में 7, सवाईमाधोपुर से भी 6 कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर, धौलपुर और कोटा से 3-3 कोरोना के पॉजिटिव यहां पाए गए। इसके अलावा बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर और टोंक में भी क्रमशः एक-एक कोरोना पॉजिटिव, भारी राज्य से आए हुए एक व्यक्ति यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और राजस्थान में आज 3 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मौत भी हो गई है, 120 हो गया है आंकड़ा। जयपुर में 1 मौत, अलवर और पाली में 1-1 मौत हुई है और प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट, 152 नए कोरोना के केसेस प्रदेश में। अधिक जानकारी के साथ में वन संवाददाता लोकेश ओला मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 152 केसेस, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट, लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, लगातार कोरोना पॉजिटिव का दायरा बढ़ता जा रहा है और आज 2 बजे तक प्रदेश में 152 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें बात करें जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जयपुर में 49 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और अब जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1330 हो चुकी है। वहीं जयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई है आज और अब जयपुर में अब तक 61 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। लगातार जयपुर में दायरा बढ़ता जा रहा है। वहीं साथ ही साथ जो मुख्य चिंता की बात अब जालौर को लेकर बढ़ चुकी है। जालौर में आज 28 कोरोना पॉजिटिव एक साथ सामने आए हैं और जालौर में कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़कर 42 हो चुकी है। वहीं एक की मौत भी आज जालौर में हुई है। इसमें लगातार जो कोरोना का दायरा है प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के जो जिलों की बात करें तो आज करीब 15 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। साथ ही साथ में बात करें तो जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 4278 हो चुकी है। लेकिन रात वाली खबर है कि जो कोरोना पॉजिटिव के रिपोर्ट नेगेटिव होने का मामला है वो लगातार अब सामने आ रहा है कि रिकवरी जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें बात करें तो प्रदेश में अब तक 2469 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, वो राहत वाली खबर कही जा सकती है। साथ साथ 2163 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह बात करें तो प्रदेश में अब 1699 यानी कि 1700 करीब एक्टिव केस अभी भी प्रदेश में है। लेकिन जिस तरह से चिकित्सा विभाग कोशिश कर रहा है कि जो जांच सैंपल या जांच कैपेसिटी बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में जो कोरोना की जांच कैपेसिटी है वो 25,000 कर दी जाए और जो उसको लेकर भी जून तक प्रदेश का चिकित्सा महकमा उसको 25,000 बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जी लोकेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, बेहद महत्वपूर्ण है यह भी लोगों के लिए जानना। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में पिछले दिनों कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे जहां से लोग सामने आ रहे थे और उनको बकायदा वहां पर सील कर दिया गया था, कर्फ्यू ग्रस्त थे। लेकिन अब बीते 2 दिन की बात की जाए तो जयपुर के कई ऐसे क्षेत्रों से यहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, वैशाली नगर, निर्माण नगर, मानसरोवर, सांगानेर और कई ऐसे क्षेत्र। तो क्या ये फैलने की दर हो गई है तेज और राजधानी जयपुर में अब लोगों को इस चीज का डर है कि नई नई जगहों से अब संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, चिंता की बात राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ कार्बियो ने सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव पहले केस सामने आए थे। वहीं अब प्रदेश के जयपुर की बात करें तो शहर की तो चारदीवारी के अलावा जो अन्य क्षेत्रों में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जिसमें चाहे बात करें मानसरोवर की, प्रताप नगर, जगतपुरा, सांगानेर, शास्त्री नगर, मुनिपुरा सहित जो तमाम जो जयपुर शहर के क्षेत्र है वहां पर कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इसमें जहां जहां कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से कोरोना वॉरियर बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, ऐसे में जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं वहाँ पर उस एरिया को सील कर दिया जा रहा है, वहाँ पर रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना पॉजिटिव अन्य है उनके चिन्हित कर उनका भी इलाज जारी है और कोरोना संक्रमण को रोकने की जो तमाम कोशिश है वो की जा सके। इन्हीं सब बातों को लेकर जयपुर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश। उधर अलवर के तिजारा में एक विवाहिता के साथ में दुष्कर्म करके अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने